कश्मीर से धारा 370 हटने से पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में हाय तौबा मची हुई है। इमरान सरकार ने NSC यानी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आनन फानन में बैठक बुलाई। NSC की बैठक में पाकिस्तान ने भारत के इस कदम की निंदा की और अपनी बौखलाहट मिटाने के लिए कश्मीर को लेकर भारत के इस फैसले को क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बता दिया। ना कश्मीर पाकिस्तान का, ना कश्मीरी पाकिस्तान, और ना ही कश्मीर से पाकिस्तान का कोई लेना देना। फिर भी NSC की मीटिंग में भारत के खिलाफ 5 फैसलों की फहरिस्त सामने आई है। पहला, पाकिस्तान ने भारत के साथ कूटनीतिक संबंधों को कम करते हुए इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त को लौटने का निर्देश दिया। दूसरा, पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को खत्म करने का फैसला किया। तीसरा, पाकिस्तान अब द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा करेगा। चौथा, जम्मू कश्मीर के मुद्दों को पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र और उसके सुरक्षा परिषद में उठाएगा। और पांचवा फैसला है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने के तौर पर याद करेगा, जबकि 15 अगस्त को वहां काला दिवस मनाया जाएगा। खिसियाया पाकिस्तान यही नहीं रुका, उसने भारत के साथ 9 एयर रूट में से 3 को बंद कर दिया है। और तो और, आधी रात से पहले पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए जमकर मोर्टार दागे, लेकिन उसे भारत की ओर से मुंह तोड़ जवाब मिला। अब जरा पाकिस्तान असेंबली में वहां के वरिष्ठ मंत्री की भारत के खिलाफ गीदड़ भपकी को भी सुनिए। हालांकि आप सीरियस कम होंगे, हंसी ज्यादा आएगी। अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला हुआ तो ना हिंदुस्तान में चिड़िया जागेगी, ना घास उगेगी, ना परिंदे फड़फड़ाएंगे, और हिंदुस्तान को अपनी सफा हस्ती से मिटा के रख देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जिंदगी का ये आखिरी मौका होगा। इससे पहले पाकिस्तानी PM इमरान खान भी मंगलवार को भारत को धमकी दे चुके हैं कि अगर हम युद्ध लड़ेंगे तो अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। दरअसल कश्मीर और अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान की बौखलाहट लाजमी है। उसे उम्मीद थी कि दुनिया के इस्लामिक देश और उसके मित्र देश इस पर भारत की निंदा करेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उसकी हालत अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास खुद पाकिस्तानियों को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो हिंदुस्तान के साथ किस प्रकार का व्यापार करेगा? पाकिस्तान के पास है क्या जो ट्रेड करेगा, व्यापार करेगा? इससे उनको क्या फायदा होगा? मैं तो मानता हूँ कि बहुत ये शॉर्ट साइटेड उनके फैसले हैं। ये हमारा कोई इससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। जिस कश्मीर को लेकर बौखलाया पाकिस्तान लगातार अपनी अनर्गल दलील पेश करता आया है, उसे अब ये समझ लेना होगा कि उसके कब्जे से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी निकलने वाला है, क्योंकि भारत ने POK को भी अपने मिशन कश्मीर के एजेंडे में शामिल कर लिया है।